नमस्कार, मैं प्राची, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कोचिंग इंडस्ट्री का जिक्र कर बोले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, ये गैस चैम्बर से कम नहीं है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 यूपीएससी छात्रों की मौत का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने देश की राजधानी में हुए इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अत्यधिक चिंता व्यक्त की। सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम हर रोज देखते हैं अखबारों में पहले दूसरे तीसरे पेज पर कोचिंग संस्थानों के प्रचार होते हैं, इतना भारी खर्चा कहां से आता है? ये उस छात्र से आता है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। मैं सदन के सदस्यों से आग्रह करूंगा, इस मुद्दे पर सुझाव दीजिए। कोचिंग का दायरा बहुत सीमित है, इस भारत को स्किल की आवश्यकता है। कोचिंग सभी को एक सीमित दायरे में बांध रहे हैं, ये एक साइलो मीनार नुमा स्ट्रक्चर हो गया है जो गैस चैम्बर से कम नहीं है। दिल्ली कोचिंग हादसा, अभिषेक गुप्ता और देशराज सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पानी भरने से छात्रों की हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने राव आईएएस कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर अभिषेक गुप्ता और देशराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस कोचिंग सेंटर हादसे के दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र नगर थाने से कोर्ट ले गई, जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों समेत बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले निगम कर्मियों और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। संसद में बोले राहुल गांधी, बजट में मिडिल क्लास की छाती और पीठ दोनों पर छुरा घोंपा गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट 2024 पर अपनी बात रखी। उनका पूरा भाषण चक्रव्यूह के इर्द गिर्द रहा। मोदी सरकार ने देश के लोगों को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। उन्होंने कहा कि इस चक्रव्यूह के रचयिता हैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, एनएसए अजीत डोभाल, उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। हालांकि इस पर स्पीकर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जो सदन का हिस्सा नहीं है उनका नाम सदन में नहीं आना चाहिए। अपने भाषण में राहुल गांधी ने सेना की अग्निवीर योजना, किसान, युवाओं, बिजनेसमैन और मिडिल क्लास पर अपनी बात कही। हेमंत सोरेन को राहत और ईडी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सोरेन को जमानत देने का आदेश दिया गया था। बता दें कि भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सोरेन को गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का 28 जून का आदेश बहुत ही तर्कसंगत था। ड्रोन से लेकर महिला कमांडो तक कावड़ यात्रा पर पूरी नजर। हरिद्वार से जल लेकर आने वाले कावड़ियों की संख्या मेरठ और मुजफ्फरनगर में बढ़ने लगी है। सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिला है कि कावड़ यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा है, जिसके चलते आकाश से लेकर जमीन तक डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ कावड़ यात्रा पर प्रशासन निगरानी रख रहा है। किसी भी आतंकी घटना से बचने के लिए प्रशासन ने एटीएस की कमांडो टुकड़ी के साथ आरएएफ और पीएसी को भी लगाया गया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन के द्वारा कांवड़ मार्ग पर निगरानी रखी जा रही है और कांवड़ मार्ग का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे और सब्सक्राइब करें IIMT मीडिया।